हे गाइस, बीजेएमआई का जो ये राइजिंग इवेंट चल रहा है भाई, काफ़ी मज़ा है खेल के। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए फाइनल्स के लिए, बट इट वाज सुपर फन। एंड ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि फन इवेंट था, हमने भी ट्राई किया था, थोड़ा सा लेफ्ट साइड हो गया तो नहीं हो पाया क्वालिफाई। बट गाइस फॉलोअप करो, मज़ा आएगा आपको देखने के लिए। फाइनल्स में जो भी टीम क्वालिफाई कर रही है कल के लिए, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। और भाई पैन फाइट, मार्क कसम अगर फाइनल्स में पैन फाइट के चलते कोई जीत गया, मज़ा आ जाएगा। सी यू ऑल। अब मैं जाता हूँ घर, अब हमको 3-4 घंटे के वापस जर्नी है, बट कल मिलेंगे हम लोग ऑन लाइव। सो सी या, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय। ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट ये सी फाइट का इंतजार था। लीजिए अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी टीम स्काउट वर्सेस टीम जोनाथन। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट, खासकर टीम स्काउट के लिए, क्योंकि उनको अब इस फाइट में अंक अर्जित करने ही करने हैं। फाइनल पे हमें हर बार टीम जोनाथन जाती हुई नजर आती है, ये चीज हमने पहले भी कई बार देखी है, बट अब यहां पर इतनी मुश्किल स्थिति में जहां पर टीम की नैया को पार लगाना ही है, ये ड्रॉप क्लैश लेना। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अभी के लिए टीम स्काउट, देखते हैं कितना ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टीम जोनाथन के लिए भी है, क्योंकि आपकी ये शुरुआत है, और वो कहते हैं ना कि शुरुआत मैटर करती है। आपके पास अगर अच्छे स्टार्टिंग में ही फिनिशर आ जाते हैं, आप एक डीबीएस के साथ उन्होंने एक प्लेयर को नॉक करा था, तो 1v4 आदित्य का तो नहीं है, 1v3 जरूर कह सकते हैं। एक अच्छा नेड आदित्य ने शुरुआत करी थी, उसके बाद डीबीएस एक that was not a short range, medium range के अंदर DBS, ये देखने वाली बात है, बट जीतना जरूरी है टीम स्काउट के लिए। आदित्य वहां पे हैं, डेंजर नॉक पड़े हैं, शैडो नॉक पड़े हैं, एक 1v1 की सिचुएशन यहाँ पे बन चुकी है, DBS इसका इस्तेमाल यहाँ पे करा जा सकता है। आदित्य द सेवियर ऑफ टीम स्काउट, बचा लेंगे अपनी टीम को इस विनाश से। 1v3 वो करके गए, यहाँ पे 1v4 का वो जो क्लच है वो हमें देखने को मिल रहा है उनकी साइड से। बट दूसरी तरफ रीगॉड की बात करें, प्लेयर को स्पॉट किया, मैक वो ओपन नजर डाउन किए जाएंगे, लियो वहां पर मौजूद, एक बढ़िया स्प्लिट स्ट्रेटजी में देखने को मिल जाएगी टीम जोनाथन की भी। एडमिनो वो अब आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, और ये जो स्प्लिट स्ट्रेटजी जिस चीज की हम बात कर रहे थे वो अभी तक तो फेवर में जा रही है। क्लच गॉड वो बाहर की तरफ आएंगे जरूर, 3 फिनिशेस इनके पास आ चुके हैं, बट आदित्य उनको भी डाउन किया जाएगा। टीम स्काउट मुझे लगता है उनका सफर इस टूर्नामेंट में शायद यहीं तक। जी हाँ, अब डिपेंड करा था कि उन्होंने पैन फाइट में कितने अंक निकाले थे, क्योंकि ये वाले आज के जो कॉम्पी मैचेस हैं उनके इतने कुछ खास गए नहीं। बट यहाँ पे अगर जोनाथन की बात की जाए, कितना शानदार को मौका दिया जाए इस समय घातक को डिस्क्राइब करने के लिए, लास्ट सवाल रहेगा तो वो क्या रहेगा, और आपको मौका दिया जाए मॉर्टल को डिस्क्राइब करने के लिए तो वो क्या चीज़ रहेगी। मॉर्टल को अगर डिस्क्राइब करना तो एक ही चीज़, मतलब एक ही वर्ड है, लेजेंड। मतलब मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि जब मैं हैदराबाद में जब इवेंट देखने गया था, जो इवेंट जो सपोर्ट करने गया था, और जब जीती थी सोल, और मैं उनके रूम में गया था, फोटो भी खिंचाए थे हमने जी, तो वही है कि मॉडल को देख के ही मैंने, मतलब वो इवेंट देख के जब सोल जीती थी, वही उसी इवेंट पे मैंने सोचा था कि भाई मैं अभी कॉम्पिटिटिव में फुल फ्लेज घुसूंगा। सारा मेरा मैंने बिजनेस सारी चीज़ें छोड़ के मैंने फुल टाइम फिर ई स्पोर्ट्स में देना चालू कर दिया था, रात दिन सिर्फ गेम खेलता था जी। यस, तब वही से मैंने यही डिटर्मिनेशन, यही मतलब वही से शुरू मेरे तरफ से घातक के लिए डिटर्मिनेशन, दिस डिटर्मिनेशन कि यू नो एक बार एक राह मिल गई तो बस चलते रहो उधर ही। नाइस, चलिए काफ़ी अच्छी बात है, जनता ताली ज़रूर करेगी और हम भी, कि इतना ज़्यादा सपोर्ट और इतना ज़्यादा प्यार देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल के लिए चलते हैं MVP की तरफ और जानेंगे इस मुकाबले का वो कौन सा